हिमांशु ने फोन करके बहुआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है। हेलो, जांच ली एक बार, कौन होगा अच्छी कौन से नहीं? जांच लूंगा मैं, आजकल पता ना चलता ना, आज में कोई आवे बता रहे कुछ निकला कुछ नहीं। नहीं एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा, मैं मेरा हुक्का पकड़ा दे, हुक्का ले लो भैया, फोन बात करो। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बहुआ? मैं बहुआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है? नहीं नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। पापा कहाँ काम करे करे तू? मैं तो फ्री में, कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं काम नहीं कर रहा, एक सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा, एक सेकंड करो, जो भी कर रहा है। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही, फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, अपने लायक। ठीक है, आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, प्यार भी सही है, वो भी सही है। वो नहीं नहीं नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई, वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी? हाँ देखी है, उसी पाइप से गला घोट दूंगा। भाई सुनिए, मैं कहता हूँ आपकी उंगलियाँ भी बढ़िया है ना, उंगली? हाँ उंगली भी है। कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी। हाँ बेटा न्यू बता, उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है, तेरी दो उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा कहना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे, दो उंगली, उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी चाहिए भैया। वो करवाने की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी, हाँ तो देना टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आज गली नंबर 3 में, 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना बता दे भाई? टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, डेयरी का दुकान है हमारे। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया? क्या कर देंगे? तुमने खाना टेढ़ी उंगली दी है, टेढ़ी है, मेरे दे दे कि तुम्हारी टेढ़ी करवा दूँ। फोन दाग नौकरी पांच इसको लगा दिया फोन तूने रे भाई, गंदा बोले, गंदा बोले पापा, क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है भाई। अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बहुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बताओ। भाई कल कहाँ मिला दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। देख रहा भाई, किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं, पता नहीं तो फिर क्या हो गया, ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में, एक औरत है जिसकी मदद करनी। कौन है भाई औरत? अम्मा है क्या तेरी? एक गंदा मत बोलिए, मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में, वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार, तू जल्दी जो सौ एक सेकेंड उस औरत की आवाज सुना दो, मैं सुन, ये सुनिए। तू गिरियो मत, ना नहीं समझ गिरियो, सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। एक सेकेंड, दद्दा जी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस बेच सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई बेच गया? हाँ सनु ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी वो कह रही है गिर जाएगी, तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन, किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ से ना आप राइट लेंगे, राइट राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड घर वो सौरभ, सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा, एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी घंटी बजाता हूँ, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो, आपसे दो मिनट चाहिए था। कहिए। मैं किसके घर पहुँच? एक सेकेंड, आपका नाम क्या? सौरभ सक्सेन। सौरभ साला ले, अब उसकी आपको एक महिला ढूंढ रही है। Who? इसको पहचानते हैं आप? नहीं। ये आपका नाम लेगी, सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस एक्चुअली दैट सौरभ वाज सेटल्ड इन दुबई, आई एम सौरभ सक्सेना। इनसे बात करूँ ना? हेलो सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस। एक काम कर, इसकी बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। गंदा बोल रहे हैं। फोन कर रहा है, बैक काटने नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी सक्सेना, सौरभ सक्सेना।
देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड से यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो, और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा भाई, मुझसे बात कर। एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? एक सेकंड, कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो सर। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है? नहीं, फोन किया आपसे, दो मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल, जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दी? अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के। डॉगी, डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, क्या नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसे सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से, उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताई जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, एक सेकंड, आज ताई जी अकेली है घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के, तेरी थाले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट लिया? सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी मुसीबत? दो मिनट पूजो, पूजो का मेरे अटैक, अटैक पूजो, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अभी से बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ? अच्छा, बस है? नहीं बस है। अच्छा अच्छा, बउआ बउआ, वीक डे में बउआ, बाकी सैटरडे संडे को बउआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ झड़ रहे हैं। तो यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा रहा, तू नमक की छिड़क रहा है तो। नहीं नहीं, मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा। हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी है? तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ, आपने ना, हाँ, बाड़बड़ की दुकान पे जाना है। अच्छा, मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है। ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे। फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा है, गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले? सर को एक सेकंड, झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है। कैसे आदमी है आप? राक्षस हो। एक्चुअली गंदा बोलिए आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है? दिन में सोना है फिर आपको। तेरी गलत। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी, एलोगरिथम पढ़ा है? एलोगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है और कैसे होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3। नहीं पता। मैं बताऊँ? पता। सुडूज। क्या? सुडूज। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूज। गंदा बोल आप, गंदा ही में रख दिया क्या? टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा।
भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं, इसी बात पे बहुआ क्या कर सकता है। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्ते अंकिल, कौन बोल रहे हैं? जी बहुआ बोल रहे हो, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, अरे जी हनी नाम है। अच्छा, वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी का मतलब चाहिए इसमें? यार एक से भले दो तो मैं ही मिलूं तेरे को। नहीं तो यार तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी किस मिला? जुनेजा जी, प्रीतो है? ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है भाई साहब? हेलो, हाँ भाई बोल। बोल दूँ इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर। क्या? एक सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हनी और आपकी जो लाडो है प्रीतो, तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बहुआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा। टाका भिड़? ये कौन है, इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं भाई साहब, हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे, कानों में जवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। टाके भिड़ाऊंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों सुन, ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका भाई, बुढ़ा तो नहीं लगा क्या? बेइज्जती करा रहे हो। जुनेजा, एक सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गल करना चाह रहा है। अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ डिमांड। सॉरी एक सेकंड रुको, हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने, मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार? और सेकंड रुकिए, वापस से। हनी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आगे बोल रहे हनी। हाँ आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली। हाँ जी, अब हम अपनी बात कह दे। नहीं वो कह रहे घर, है पैसा, है गाड़ी। हाँ मैं बता दूँ ना मेरे पास क्या है। हाँ है गन, हाँ है सरिया, हाँ है आरी। आरी कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तू तो बोली मत। ए काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास दो रखी हैं। दो? ओके बाय। ओके बाय। भाई अनामिका जी फोन करके बहुआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अभी से बहुआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो अंकिल? बहुआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा क्या नाम है आपका? दिनेश। बोलो। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो। कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे, हाँ, और आपसे बातें करे, तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ, बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक की वो जो बन। यार कार्तिक नहीं यार, कौन, क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ। दिनेश, 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 दिनेश। मैं तो क्या बात है, टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है, अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बोल रहा तो सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार sorry. फिर तो ही कार्तिक और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जवान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ सॉरी सॉरी अपनी में डाल ले। नहीं तुझे समझ में। धूमकेतु, मेरी बात सुन, धूमकेतु। धूमकेतु होगा तेरा बाप? मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से बात। लीलाराम मनोहर, तू खुद ऐसे डाय, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये वोटर को एक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं, कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप, का शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ भाई। तू कार्तिक।
आज शाइन ने फोन करके बहुआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है, अब इसी पे बहुआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोले इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल, दिया मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं आया और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना? अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना, मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा, एक सेकंड, पापा अंकिल सुबह लौटना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा? अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो, तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या, मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज इधर को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई? एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके, और ये नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी ना, मेरी बात बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। मतलब वेला टाइम है, इतना मारूंगा। पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल ले तो बेटा, पापा के सामने पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। बोलूंगा इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। फोन कट दिया, फोन क्यों कट दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस। भाई बिस्मिल्ला जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी, अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। अंकिल आवाज कटिड़ी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके पानी का प्रॉब्लम, मेरे पास भी फोन मिला रहा है, इसलिए मिला रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर दी। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर, एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया, हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो, आ रहे, एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने पानी कैसे आ जाएगा? खराब यार, गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मतलब तेरे, मैं बता रहा हूँ, देखो आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग? बोरिंग, देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अगेन, मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक, अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेरे, बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही हूँ। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? वो कोई, वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप, बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे। आप जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो, बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11,
11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका, हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे, अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान, बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल भाई। सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इसमें बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकिल एक सेकंड, दादाजी रहा हूँ आ रहा हूँ। अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ क्यों रहा हूँ तू बता, कौन बोल रहा है? फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रही हूँ, यहाँ बैठे दादाजी। दादाजी नहीं, आपसे बात करूंगा लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं दादाजी, गाने का रियाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रियाज कर ले। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चल रहा है, क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे, इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है। तेरे को एग्जांपल देता हूँ दादाजी। गुसल खाना देख, अब इनको टॉयलेट जाने बोल रहे, जाना गुसल खाना। दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग, हमको समझने में दिक्कत होती। दादाजी पानी पिला दे जल्दी, गला क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखो, चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? तोड़ दू मुंह बोले ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी, इतना भला बूढ़ा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे ना दे गाली गाली ना दे। फोन कट गया, फोन कट दिया अंकल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए, इसी बात के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया एक बार फिर से बुला। बैरागी कौन? बैरागी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप। हाँ। भाई साहब पागल हो गएगा, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन सुन, जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, फालतू जिम्मेदारी। छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा जल्दी, प्लीज खाली पूरे दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा? खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा, पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसा कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली। भाई साहब आप हैं लाइन पे? छोटा सा ब्रेक, लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब आप हैं लाइन पे? लाइन पे तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता, मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर, सागर में मंथन हुआ था। क्या बात। तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है, इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच, मैं IAS। भाई सब आप लाइन पे है ना?
लाइन क्या बोला आपने? बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब, कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। करिए ये चर्चा यही खत्म होती है। ने फोन काट दिया कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ, मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बार एक मिनट आप बोल कौन रहे हैं? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। एक माह समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, हैं लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो? मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? दांत में मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तू कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा, और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब। हेलो सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप, आप ही के फायदे की बात बता रहे हैं। कहाँ से आ जाते हैं? गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है 93.5 FM बहुआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बहुआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी हाँ, 86 नंबर पुल के नीचे, मेट्रो के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे ना? हाँ भैया मिल जाओ। चुप। तू चुप। हेलो किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए, एक सेकंड, आपका आइटम आया है वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा बोल। ठीक है तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो हाँ ठीक। हाँ भाई चुप। तू चुप, अपने बाप को चुप चुप बोलियो। क्या हुआ यार, मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं? पहले उससे बात कर लो, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तू उससे, मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया, तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2+1 वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है, चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। तब बोल रहा तू गलत आदमी कौन है कौन? अरे चुप। चुप भाई, ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिसले, अपने भी घिसले। गलत आदमी, 93.5 FM बजाते रहो। चुप। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कह रहा था गर्म बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना, बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी क्या कर रहा है यार, खा कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी, पूछो कैसे? अब गर्मी चुगली का क्या लेना? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, देखो गर्मी जो है उससे आप बात करिए, गर्मी से बात करिए। सुनिए हाँ, और उसको क्या आएगा सुबह? सुनो हाँ, पी क्या आएगा सुन? नहीं सुनो तो, अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार। अच्छा। फिर गर्मी को प्यार के लिए आप
थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसका सेटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग? गर्मी की सेटिंग हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे। फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा। फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी, क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं। फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। आपने उसके पापा को चुगली करी, गर्मी भाग गई, अब बताओ गर्मी भाग। रैपर छोड़िए, जो पी के आया था बोले थे वो बोतल सर पे मारी है तेरा से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं, सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तोड़ दूंगा मैं, जानता था यही बोलेंगे आप। अरे जी बोल रहे यार, 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो। क्या बात है सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान बहुआ, मेरा नाम नमस्कार, आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा तो बोल रहा है। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा, तो हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़े तमीज में बात करना चाहिए। तो मुझे औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा था आदमी, देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है। हाँ, सही है, पता सही नहीं आपके औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका। मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा, अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या, हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ, कुछ कर ले कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते फोन। अरे फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ क्यों, हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, पता अरे ये कैसे सुन रहा है आपको, मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। खुशफुसा रहा है, क्या करोगे आप। अबे तेरी खुशबू आ रहा है अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, चुपचाप फोन रख दे, सॉरी ये भी सुनाई देगा, आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए समझे, गलत बोले 93.5 क्या, सॉरी बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहु बोल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकिल नहीं बोल रहा भाई, चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, और बताओ क्या, किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्कार, और बताओ यार, और क्या बताऊँ, जाते समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था, और बताओ फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी सब उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे, सॉरी मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझ। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है, और बताओ। हाँ, और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले। नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया, और ये जो शब्द है ना और, अच्छा ये अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है, हिंदी वर्ण माला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ,
ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कबज की बदबू आ रही तेरे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ऑड जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग ऑड को ए यू आर ऑड लिखते हैं, कुछ लोग ओ आर ऑड लिखते हैं। अच्छा, ऑड में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से ड निकाल दो तो हो जाता ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते। ओ, सो क्यूट। लोग ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी, तो पूछेगा 100 करोड़, ठीक है, बोले नहीं और, तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो अंकिल जी, नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई, आईपीएल का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या टीम मिला है, फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हूँ भाई साहब। तो क्योंकि देखो, आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। झापट भी 7 मारोगे, क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था, और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा। कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार, मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है, धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था, तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं छोड़ू मेरी बात। हाँ, हाँ। गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, किसी जगह रेपता मारू तेरा। गलत, गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। कौन? दुनिया खराब होती जा रही है, जीने लायक नहीं है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हम सब इंसान के बच्चे। तो किस लिए फोन किया ये तो बताओ। मैं कह रहा था यही एक मैसेज मैं सबको दे रहा था। आप कुल्लू बनानी जाते हो, कुल्लू बना ली। अच्छा। का कचरा फेंकते हैं, खाली पैकेट फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े फॉर एग्जाम्पल इतना फेंकते हैं। बात तो सही कह रहा तू भाई, मंदिर में इतना बड़ा क्या होता है? घंटा। हाँ घंटा, मैं बात सही कह रहा हूँ, तू तो कुछ करेगा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बस। बोला मैं झापड़ पड़ेगा ना इतना तेज। झापड़ नहीं, एक सेकेंड। इंसान ने प्लास्टिक फैला फैला के सिर्फ इस ग्रह को नहीं दूसरे गोले को भी तकलीफ पहुँचाया, पूछ कैसे? तकलीफ नहीं पहुँचाई। गलत आदमी है, जलील इंसान। एक तो धरती गलत कर रहा है, अब जबान भी गलत कर रहा है। तू पैदा होकर तूने गलती कर दी। मैं बता रहा हूँ, धरती के साथ साथ दूसरे ग्रह को भी तकलीफ पहुँचाई है इंसान ने अपनी गंदगी से। बताऊँ कैसे? वो कैसे? वो कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था। अच्छा। जो धरती पर आया था एक ग्रह पर से, जो कहता था ई गोला पे हम नहीं जाएंगे, ऊ गोला पे हम नहीं जाएंगे, रेडियो वो पिक्चर थी पीके। हाँ गलत बात बोलिए, जो पीके आदमी था दूसरे ग्रह से आया था।
उसके ग्रह पे सुनिए उसके ग्रह पे कपड़े तक नहीं है, लेकिन आपने उसके ग्रह पे प्लास्टिक पहुंचाया, पूछो कैसे? कैसे? जब वो जा रहा था तो एक डब्बे में कैसेट भर के दी, कैसेट का कवर किस चीज का बनता है? अरे हट। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिचकी आती है कभी कभी? हिचकी तो आती है, मतलब कोई याद करता है? कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस बार आपको याद नहीं कर रहा है, पी के ऊपर से उस गोला पर से आपको गड़िया रहा है, क्योंकि आपने प्लास्टिक बेचकर वहाँ प्रदूषण फैला है। अब जब मैं तेरे को गड़ियाऊंगा जलील इंसान गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर प्लास्टिक फैलाई तो रेल बना देंगे, क्या समझे? हैव अ साफ जर्नी। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक काहे का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है, और उसका उपयोग अगर दिमाग से एक मिनट या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म कोई बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से सॉरी भोंग रहे प्लास्टिक का डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भोंक बोला ही नहीं, हो तो आपने गेस किया, प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे, तो पूछो कैसे? भोंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए, अगर मुर्गी अच्छा। मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है मानने में कि नहीं? भाई मैं बाप नहीं बोल सकते, इसलिए पिताजी सुनो ना, अगर सपोज मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो, फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उसे सालों लग जाते हैं, तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी, तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म? आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक, इतना सुनिए सॉरी, सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? तेरे मुंह में फूंक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप, गलत क्या बोल लो? ऐसे ऐसे फोन करके अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद ही भी तू रख देना फोन, क्यों करा तूने? तू रख दे, तूने मुड़ी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखे खाते हुए? तू दोनों नहीं देखे की तो मान छोड़। अच्छा ये बता पहले मुड़ी आया अंडा नमस्ते। हेलो रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो एक सवा दो मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? सवा दो मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग दो मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं सवा दो बोल के कम से कम दो मिनट तो करूंगा, है ना? मैं कह रहा था भैया। हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं मैं जान नहीं रहा था, देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। चल, जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना, पानी तो ठीक है और किसकी वजह से लगता है? गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब अरे अच्छा सर मैं समझ गया, आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तो कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंसते हैं, मेरी इंग्लिश पे? मैं बताता हूँ, मैं प्रूफ करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा, राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो। हाँ फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया,
अच्छा थोड़ी सी बर्फ निकाली, दो ठो गिलास रखा, उसके बाद मौसम बना दिया मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया, जाम लगा दिया, जाम लगा शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बताइए आप तो किसने जाम लगाया, बताइए जो घर में बैठा है कि नहीं, उसी ने लगाया, घर में बैठे वाले ने लगाया भाई साहब, बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकते। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहे बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद जाएगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हाँ फोन लगे। हेलो। हाँ जी मोहन भाई साहब। मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब, एक सेकंड रुकी, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार हैं? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़कर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पूरा पालन करते हैं। तो मेरे को क्यों चुना भाई साहब? इसके लिए देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, झाक कम आई तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार, आपको मुबारक भाई साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे तो अच्छा, पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए, पहला सवाल तो ये बैरागी। देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी। भाई साहब पागल है क्या तू? थोड़ा पागल ही, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो बताइए बैरागी, सबसे इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा एक सेकंड गले पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। ले ले अपनी। वाह शेर और शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं है रॉकेट क्यों? हाँ बतावे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता क्या है कि अगर ऊपर जाना है हाँ? तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। डू नॉट ड्रिंक, गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे। आप बड़कल बब्बू हैं? बस वो नहीं करता बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से, अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप वटी सांप की जो गोली होती है उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती है। सिप्पी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टी। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते भाई साहब सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम, अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। चल रही है, एक मिनट लगेगा भाई साहब, एक मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना जी हैं। लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है बैरागी जी? इस पर अपनी विचार। एक सेकंड, बैरागी जी, बैरागी जी देखिए, जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बाया के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें, गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में, इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे,
घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा अबे था, घोड़े तो गोले, नहीं नहीं, उसके बाद तोपे थी और तोपों में क्या थे, गोले थे भाई साहब, गोले भी थे, गोले नहीं बम के गोले थे, बाकी है क्या ये बाकी। और बहुत कुछ हुआ था इतिहास, तो इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैठागी जी, इनका नाम एक, इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। अब नूडल सन्नाटा है भाई साहब, तो ये नूडल ना ये रोल करे तुम्हारी जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैठागी जी, इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए, देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पर बजाते रहो फुगनी, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, कौन अंकिल जी नमस्ते। अब कौन अंकल, किसको बोल रहा है, है? कौन बोल, कौन रहा है, कौन अंकल, बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे दो मिनट बात करनी। हेलो, हाँ तो कौन बउआ, कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूँ, कल मैं पढ़ रहा था, हाँ क्या, कि वर्षा के कारण, हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई, तो क्या करें उसमें हम भी? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाए। एक सेकंड, नहीं अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, पता मैंने क्या कहा, आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ धुआं धुआं, वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो, हमने कहा नई दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा, क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, वर्षा भोगले। अरे यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है, क्या होना चाहिए भी बता दे मुझे, के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती है। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है, सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझदारी की तूने बात करी है, बात तो मैं समझदारी की बात सुननी नहीं है, बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, चलिए बिल्कुल, बड़ा ढेर होता है, क्या नहीं नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ, बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए, बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बउआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल नमस्ते। हेलो, हेलो जी नमस्ते, नमस्ते, कौन जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल, कौन बउआ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट होंगे, हाँ बोल, क्या जी, मैं कह रहा था इस बारी, हाँ क्या आप, अरे जल्दी बोलना, सॉरी मैं कह रहा हूँ, इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ूंगा पटाखे, तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला, मुझे बताइए जरा, वही बात हो गई, फोन रखा, एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो, अब तू फिर कॉल कर दिया, कौन है तू बउआ बोल, अबे बउआ कौन, ना इंसाफी है, काय बात की ना इंसाफी, पटाखे नहीं छोड़ोगे, ये एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू, मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे, प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे, मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा, गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी, तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो, बस कटे, तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी, फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है, तू मिल तो तेरे ना, तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार, पटाखे पटाखे, तू कौन है तो रोकने वाला मुझे, ताले दिवाली हो जाती है, हेलो हेलो, सुरभि बात करी थी, क्या आप कुछ,
मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे नहीं हो सकता, आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे? फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने जरूरी, तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल पूछोगे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। सॉरी आई एम सॉरी क्या मतलब? लास्ट क्वेश्चन फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंजमेंट प्लीज। जस्ट लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मेरी, मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं। ठीक है ना, एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं? राइट भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटा के नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी। एक सेकेंड बस करो, पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ, पटा के ना छोड़ना, पटा के। ठीक है तेरी चल फोन का।